नमस्ते, आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिली पटेटो। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, शिमला मिर्च कटी हुई ली है, दो मीडियम साइज कटी हुई प्याज, एक बाउल अरारोट लिया है। इसके लिए मैंने चावल का आटा लिया है, यह ऑप्शनल है। चिली गार्लिक सॉस, विनेगर, कश्मीरी मिर्च, मसालों में नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है। कढ़ाई रख दी है, अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे आलू हल्का सा उबालना है उसका, जिससे मार निकल जाए। मैं बॉईल होने का इंतज़ार कर रही हूँ। पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं इसमें आलू डालने जा रही हूँ। मैंने इसके लिए लंबे आलू काटे हैं ना। इस रेसिपी के लिए लंबे आलू अच्छे रहते हैं। इसमें नमक डालेंगे हम थोड़ा सा, जिससे कि आलू, नमक इसके लिए डालना है आलू में मिक्स हो जाएगा। कढ़ाई को मैं 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ, हो चुकी है। मैं ढक्कन को हटा रही हूँ। आलू हल्के से उबल गए हैं, इसको ज़्यादा ना उबालें। अब हम छलनी में इसको छान रहे हैं। अब आलू को 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। दो बड़े स्पून अरारोट डालेंगे, आधा स्पून इसमें चावल का आटा डालेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, अब मिक्स कर लेंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, अब मैं इन आलू के पीसेस को तलने जा रही हूँ। अब गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब मेरे तल चुके आलू, अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, हमारा तेल गर्म हो चुका था, उसमें मैंने प्याज डाल के इसको फ्राई कर लिया है। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे। अब हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं, शिमला मिर्च को भी हम फ्राई कर लेंगे। हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे जिससे कि शिमला मिर्च हमारी
हो जाए, पक जाए। हमारी शिमला मिर्च और प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। विनेगर डालेंगे। अब मिक्स कर लेंगे। हम इसमें लाल चिली पाउडर डालेंगे। कश्मीरी मिर्च डालेंगे। अब मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारा, रेस्टोरेंट जैसा कलर आया है। अब हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए मैंने थोड़ा सा अरारोट में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। इसको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा, बीच का ही रखना है। अब हम इसको डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मेरे चिली पटेटो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। अब मेरे चिली पटेटो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।